have just completed my second year from Vinitsya National Medical University and I'm from Indore, Madhya Pradesh. I just went to the NMC office right now and maine unse sari baat ki about the accommodation for which we are all gathered here. So my first demand was that we all should be getting 100% accommodation in India and their unofficial rude answer was ki humse pooch ke gaye the jo hum tumhe wapas yahan pe le. The sir which I talked to, whom I talked to, he was so rude. उन्होंने मुझे सिर्फ एक बात बोली कि जब तुम हमसे पूछ के नहीं गए थे तो अब हमें क्यों फोर्स कर रहे हो कि हम तुम्हें यहाँ पे अकोमोडेशन दें. बट हम कहीं ना कहीं उनसे पूछ के जाते हैं, हम वीज़ा लगवा के जाते हैं जो इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव करती है. और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में हम जाते हैं वो NMC MCR रिकग्नाइज होती है, सब अप्रूव्ड होती है. तो बेसिकली हम उनसे पूछ के ही जाते हैं और जब हम वापस आते हैं तो यही लोग हमारे लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं FMG का. और अब जब उसको पास करते हैं तभी ये लोग हमें इतने अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं कि ओके यू आर इट डॉक्टर्स, यू कैन सर्व आर नेशन. तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो फिर इसमें ये क्या लॉजिक है कि हमसे पूछ के नहीं गए थे. यहाँ पर 16 लाख लोग नीट का फॉर्म भरते हैं, उसमें 80 to 85,000 अराउंड सीट्स हैं सिर्फ, तो बाकी सबके ड्रीम्स का क्या. और तुम ही तो बोलते हो कि ठीक है फॉरेन से कंप्लीट करके आ जाओ यहाँ पे, FMG का एग्जाम दे दो और फिर यहाँ पे प्रैक्टिस कर लो. जब ये सारी चीज़ें तुम खुद बोलते हो तो फिर तुम कैसे बोल सकते हो कि हम से पूछ के नहीं गए थे या हमने थोड़ी भेजा था, हमारी मर्जी थोड़ी थी. अब और आना भी हमारी मजबूरी थी, सिर्फ कोई मर्जी नहीं थी. यहाँ पे वॉर चल रहा है, वहाँ पे वापस नहीं जा सकते. मैंने टॉक टू देम अबाउट ट्रांसफ़र कि आप ट्रांसफ़र वाला सिस्टम क्यों बोल रहे हो इन द PTI, तो उन्होंने बोला कि पहले भी तो ट्रांसफ़र ही लेते थे लोग किसी की यूनिवर्सिटी में कुछ हो जाता. एंड आई एक्सप्लेन देम द हॉट मैटर विच इज़ गोइंग राइट नाउ इन द वर्ल्ड अबाउट द वॉर, कि आसपास की सारी कंट्रीज़ इतने रिस्क पर हैं, वहाँ पर इतनी ज़्यादा वॉर सिचुएशन. पोलैंड हंगरी को तो सारे अलर्ट्स मिलते हैं रोज़, न्यूक्लियर वॉर की धमकियाँ मिलती हैं और आप कैसे बोल सकते हो कि वहाँ पर जाएँ. उन्होंने कहा वी डोंट इवन केयर. उन्होंने मुझे लिटरली ये बोला कि जब मैं उनको बता रही थी कि व्हाट वी हैव सफर्ड इन दिस वॉर ऑफ यूक्रेन एंड रशिया व्हाइल वी वर कमिंग बैक, तो उन्होंने बोला वी डोंट केयर, डोंट टॉक अबाउट देम. लाइक ठीक है एज एन ऑफिशियल नहीं, एज ए ह्यूमन भी उन्होंने अच्छे से बात नहीं की मुझ पर. और जो भी ये सुन रहा है मैं सच बोल रही हूँ, अगर मैं लड़की नहीं होती ना वो शायद मुझ पर हाथ भी उठा देते, वो मुझसे इतनी बदतमीजी कर रहे थे एक पॉइंट पर. मतलब मुझे इतना ह्यूमिलेट कर रहे थे, वाई मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे, आई डोंट नो वाई. देन उन्होंने मुझे बोला कि मैंने बोला कि डॉक्टर्स की वैसे भी इतनी शॉर्टेज है तो आपको तो खुश होना चाहिए, दिस इज़ अ गोल्डन चांस फॉर इंडिया कि उसे इतने अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे एट द एंड, बिकॉज अगर हम इंडियन कॉलेज से पढ़ेंगे तो आपके हिसाब से तो हम और अच्छे डॉक्टर्स बनेंगे. तो दे सेड कि सबसे ज़्यादा इंडिया में ही डॉक्टर टू पेशेंट रेशो है. आई डोंट नो ये डेटा उन्हें कहाँ से मिला, लाइक गूगल पे भी नहीं है, और ये तो एक कॉमन सेंस है कि इंडिया में डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, कोविड में पता चला. बट वो ये चीज़ मानने को भी तैयार नहीं थे कि इंडिया में डॉक्टर्स की शॉर्टेज है. तो शायद वो हमसे कम हमसे कम एजुकेटेड है जो वहाँ बैठे हैं, या फिर उन्हें हमसे कम नॉलेज है, आई डोंट नो.